रिविजन कर लेते हैं कि हमने उस दिन क्या क्या चीजें पढ़ी थी और किस तरीके से डेप्थ के साथ प्रेशर वेरी किया था कि एक क्वेश्चन निकल के आई थी, उसका एक स्नैपशॉट अपन ले लेते हैं, एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं। फर्स्ट, अगर किसी कंटेनर में, किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है तो किसी भी डेप्थ एच पर, एच डेप्थ पर जो प्रेशर निकल के आया था वो प्रेशर निकल गया था पी बराबर, अगर यहां से पी एटमोस्फेरिक लग रहा है तो पी बराबर पी एटमोस्फेरिक प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी एंड एच, ठीक है। और ये भी देखा था कि जी किधर लग रहा था, नीचे, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन या ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाने पर एक लिक्विड के इनसाइड प्रेशर वेरी करता है और जो प्रेशर है वो एच के क्या होता है, लीनियरली वेरी करता है, मतलब पी और एच के बीच का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, क्लियर। और क्या देखा था, ये तो फर्स्ट। सेकेंड चीज क्या देखी थी कि पी एंड एच के बीच का जो ग्राफ है, पी एंड एच ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, पी और एच के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। थर्ड, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये प्रेशर है, दिस प्रेशर पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस प्रेशर पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर, दिस प्रेशर पी, ये जो प्रेशर पी है ये इस कंटेनर के शेप के क्या है, इंडिपेंडेंट। इस बात का क्या मतलब, इसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूं मैं। तो ये पॉइंट्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, वैसे दो पॉइंट्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पॉइंट के बारे में हमने बात नहीं की थी। इस पॉइंट के बारे में देखो आप कि द प्रेशर पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने सेम लिक्विड, पहली बात मैं सेम लिक्विड मतलब एक ही लिक्विड ले रहा हूं, एक ही लिक्विड मतलब रो सेम, जो डेंसिटी है रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी इज सेम, तो मैंने मान लो एक कंटेनर ये लिया, इस शेप का लिया, एक कंटेनर इस शेप का लिया, ठीक है, और तीसरा कंटेनर मान लो कुछ इस शेप का लिया, फिर इन तीनों के लेवल से हम आगे चलना, ये तीनों अर्थ में रखे हुए हैं इस शेप में। अब सपोज इन तीनों में जो जो लिक्विड लेवल है, अच्छा तीनों में सेम लिक्विड भरा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तीनों में क्या क्या भरा हुआ है, सेम लिक्विड, और मान लो कि ये इसमें भी एच लेवल तक भरा हुआ है, इसमें भी एच लेवल तक भरा हुआ है और इसमें भी जो लिक्विड लेवल है वो कितना है, एच। तो अगर मैं बॉटम पे प्रेशर की बात करूं, मतलब एच डेप्थ नीचे यहाँ पे, तो क्योंकि तीनों में जो लिक्विड भरा हुआ है वो सेम है, तीनों में लेवल सेम है, तो तीनों में जो बॉटम पे जो प्रेशर, अगर मैं इसे पीए बोलूं, इस को पी भी बोलें, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी, तो तीनों के जो प्रेशर की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों का लेवल्स, इन तीनों का शेप सेम है, नहीं, इन तीनों में लिक्विड सेम है मतलब डेंसिटी सेम है और तीनों में लिक्विड लेवल सेम है, तो अगर लिक्विड सेम है उसका लेवल सेम है तो शेप के बदलने पर प्रेशर नहीं बदलता, प्रेशर क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब पी इज इक्वल्स टू पी एटमोस्फेरिक प्लस रो जी एच, तो अगर एच सेम है तीनों में और डेंसिटी सेम मतलब लिक्विड सेम है, तो
तो शेप कैसा भी हो कंटेनर का, उस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। इसका मतलब प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर, बशर्ते तीनों में लिक्विड क्या होना चाहिए? सेम, मतलब डेंसिटी सेम। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी। चलो अब चलो इसमें ही इसी लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए और थोड़े से आगे की बात करते हैं। क्या ये क्वेश्चन करते हैं हाँ? तो हमें देखेंगे कि देखें आपको वो कितनी चीज बातें समझ है। तो सपोज 3 कंटेनर दिए मैंने, पहले का शेप ऐसा, दूसरे का शेप ऐसा और तीसरे का शेप ऐसा, क्लियर? तीनों में लिक्विड जो है, जो भरा हुआ लिक्विड है उसमें मान लो इसमें रो ए डेंसिटी का भरा हुआ है, इसमें रो बी डेंसिटी का भरा हुआ है, इसमें रो सी डेंसिटी का भरा हुआ है। मतलब तीनों लिक्विड जो भरे हुए हैं उनकी डेंसिटी क्या है? अलग अलग सपोज। और दिया गया है कि रो ए इज ग्रेटर देन रो बी इज ग्रेटर देन रो सी, मतलब द डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड एंड द डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ थर्ड लिक्विड। इफ द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड मतलब कंटेनर में जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी जो हाइट है वो है h, यहाँ पे भी जो हाइट है वो है h और यहाँ पे भी जो हाइट है वो कितनी है h। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो बॉटम पे जो प्रेशर है इसमें है ए, इसमें है बी और इसमें है सी। अब बच्चों आप बताओ, अच्छा तीनों में यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है तीनों पे ऊपर वो पी एटमोस्फेरिक लग ही रहा है, मैं आपसे बोलूँ कि विच प्रेशर इज ग्रेटेस्ट? तो वापस अब आप बोलोगे कि सर तीनों में आपने बोला था कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेनर होता है, यदि लेवल सेम हो तो प्रेशर बॉटम पे सेम रहता है। वो मैंने कब बोला था? वो मैंने तब बोला था बेटा तीनों में लिक्विड सेम हो। लेकिन यहाँ पे क्या तीनों में लिक्विड सेम है क्या? नहीं, क्योंकि ये लिक्विड की डेंसिटी रो ए, इस लिक्विड की डेंसिटी रो बी, इस लिक्विड की डेंसिटी रो सी। इसका मतलब डेंसिटी अलग है तो लिक्विड भी क्या है? अलग अलग। हमारी जो जनरल इक्वेशन है किसी भी डेप्थ एच पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? पी बराबर पी एटमोस्फेरिक प्लस रो जी एच। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं पी ए लिखूं तो पी ए बराबर क्या हो? पी ए इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक प्लस रो ए जी एंड एच। जी तो तीनों में सेम लग रहा है, इधर भी जी, ग्रेविटी तो तीनों में सेम ही लगेगी ना, ग्रेविटी तो धरती की होती है। जी पी बी इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक प्लस रो बी जी एच एंड पी सी इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक प्लस रो सी जी एच। अब अगर तुम तीनों को कंपेयर करें तो पी एटमोस्फेरिक तीनों में आ रहा है, जी एच ये भी तीनों में कॉमन है। व्हाट इज डिफरेंट? द डिफरेंट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एंड व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन? द गिवन क्वेश्चन इज अबाउट द डेंसिटी एंड हियर वी आर गिवन इन द डेटा रो ए इज ग्रेटर देन रो बी इज ग्रेटर देन रो सी। इफ रो ए इज ग्रेटर देन रो बी इज ग्रेटर देन रो सी देन ऑफ कोर्स फ्रॉम दिस डेटा वी कैन कंक्लूड दैट पी ए इज ग्रेटर देन पी बी इज ग्रेटर देन पी सी, क्योंकि डेंसिटी ए वाले की ज्यादा है बी वाले से और बी वाले की ज्यादा है सी वाले से। तो प्रेशर भी बॉटम पर ए के ज्यादा होगा बी से और बी के ज्यादा होगा सी से, क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेशर सेम तब होता है जब लेवल सेम हो और डेंसिटी सेम हो। लेकिन जो कि डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी तो इसमें बॉटम पर प्रेशर अलग अलग भी हो सकता है। नोट करो इसे, दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन
बिटवीन पी ए पी बी एंड पी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो आपको दिया हुआ है कि सपोज, अब क्वेश्चन से अपन देखते हैं कि क्वेश्चन से किस तरीके से सीखेंगे। मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है जी सर। अब इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, इस कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से, कितने से ए एक्सेलरेशन से, क्वेश्चन है ए एक्सेलरेशन से ऊपर ले जा रहे हैं, क्लियर। जी कहां तक है, नीचे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो दे रखी है आपको रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है रो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉटम पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, यहां पे अगर प्रेशर है पी तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो क्वेश्चन इज फाइंड द प्रेशर पी एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, पी एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन। तो आप सवाल शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर आपको बताओ तो मैंने बोला था, अच्छा ये कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है कि अपवर्ड, कितने एक्सेलरेशन से, ए जी इस पर ऑलरेडी लग ही रहा है। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको एक्सेलरेटिंग कंटेनर मिले, हम पढ़ रहे फ्लूइड स्टेटस, तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड किस पे रहना चाहिए, रेस्ट पे। तो ऑफकोर्स अगर आप कंटेनर में बैठ जाओगे तो क्या लगेगा, क्या होगा, ये फ्लूइड इस कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे तो नजर आएगा, क्योंकि अगर आप खुद भी इस पे बैठोगे तो इसके साथ साथ ऊपर चल रहे होंगे तो आपको किस पे नजर आएगा, रेस्ट पे। लेकिन रेस्ट पर रहने की वजह से है ऑफ कोर्स इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो इस एक्सेलरेशन के जस्ट कहां होगा, ऑपोजिट। तो अगर इस कंडीशन में मैं इस कंटेनर को का डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू द कंटेनर देखूं तो इस लिक्विड लेवल पर एक जी तो लग ही रहा था नीचे, और इसके साथ साथ ए, और ये ए क्या है, ये ए क्या है, स्यूडो स्यूडो एक्सेलरेशन इसे बोलते हैं। वैसे तो स्यूडो फोर्स होता है, लेकिन इस पर अगर एन जी नीचे लग रहा था तो इसके साथ एम एम भी कहां लगेगा, नीचे। तो अगर मैं फोर्स से देखूं तो एम जी तो नीचे लग ही रहा था और नीचे ही ये भी नीचे लग रहा था, प्लस एम ए ये भी कहां लगेगा, नीचे। तो नेट एक्सेलरेशन इस पर क्या हो जाएगा, अब अगर मैं अगर अपन ध्यान से देखें यहां पे तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो गया, जी प्लस ए, कितना हो गया, जी प्लस ए नेट एक्सेलरेशन, क्लियर। क्योंकि स्यूडो अगर इस पर लगेगा तो स्यूडो भी कहां लगेगा, नीचे, विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। आपको पता होना चाहिए कि स्यूडो फोर्स अगर अपन उस एक्सेलरेटिंग फ्रेम पर बैठ के देखते हैं तो ओरिजिनल एक्सेलरेशन के जस्ट कहां लगता है, ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये, अगर ऊपर जा रहा था तो स्यूडो कहां लगेगा, नीचे। तो नेट एक्सेलरेशन जी तो नीचे था ही, ए एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा और आ गया स्यूडो की वजह से, तो जी प्लस ए। अब अगर मैं यहां पर प्रेशर की बात करूं तो इस जगह पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, पी बराबर पी एटमॉस्फेरिक
प्लस डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड प्लस इनटू रो जी एच जो लिखते थे, तो वहां पे पहले तो जी था क्योंकि वो पहले तो रेस्ट पे था, लेकिन अब अगर यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन इस जगह पे जी था, वो जी नेट एक्सेलरेशन था, तो अभी भी जब आप इसमें इस इक्वेशन में पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी लिखोगे, अब जी की जगह क्या आएगा, नेट एक्सेलरेशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब जी आएगा या जी प्लस ए आएगा, जी प्लस ए इंटू हाइट अभी भी क्या है इसकी एच, मान लो कि ये एच हाइट है, तो बॉटम पर जो प्रेशर है कितना मिलेगा, पी बराबर पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच, नोट कर लीजिए। चलिए नोट, अब अगर मान लो मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस सवाल को मैं थोड़ा सा क्या कर दूं चेंज, इस सवाल को चेंज करने पर क्या कर रहे हैं कि अगर ये एक्सेलरेशन ए ऊपर था, अब मैं इसे एक्सेलरेशन को कहां देखूं नीचे, मान लो ये सिचुएशन दे रखी है, तो अब बताओ सीडो कहां लगेगा ऊपर, तो नेट एक्सेलरेशन ए नेट वो कितना हो जाएगा इस केस में, ए नेट बराबर कितना जी माइनस ए, इसका मैग्नीट्यूड क्लियर, G माइनस ए ए नेट, इसे G इफेक्टिव भी आप बोल सकते हो, G इफेक्टिव, अगर ये नीचे जा रहा होगा तो सीटो कहां लगेगा ऊपर, तो A ऊपर G नीचे, तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी G माइनस ए, तो इस जगह पे जब प्रेशर की वैल्यू लिखोगे तो आंसर कितना आएगा P बराबर P एटमॉस्फेरिक प्लस रो, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आता है G आएगा या कुछ और भी आ सकता है, यहाँ पे आता है नेट एक्सेलरेशन, तो कितना आ जाएगा मोड ऑफ जी माइनस ए इनटू एच, ये प्रेशर की वैल्यू, तो जब कंटेनर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो बॉटम पे प्रेशर कितना बताओ, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी प्लस ए, नीचे आ रहा है तो जी माइनस ए, नोट करो इसे। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन हमने देखे, अब देखो आपको क्या क्या आता है, सबसे पहले बात यदि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, याद करो अपन ने उस दिन दिया था सवाल, पहली बात क्या क्या कंसेप्ट याद है जी है कि साहब फ्री सरफेस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्लूइड मैकेनिक्स के जो अब तक अपन ने पढ़े, फ्री सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट एक्सेलरेशन, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, सॉरी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड always perpendicular to the net acceleration, first important point, second हम बात कर रहे हैं इसमें fluid statics में, अभी मैं fluid dynamics की बात नहीं कर रहा हूं, statical condition में free surface of fluid always perpendicular to the net acceleration, second P बराबर P atmospheric plus rho g h, इसमें P बराबर P atmospheric plus rho g h, यदि same liquid को यदि तीन different shape के container में भरा जाए same level तक,
तो तीनों में प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी? सेम। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रेशर पी, द प्रेशर पी वेराइज लीनियरली विद डेप्थ एच, विद डेप्थ एच। जो एच के साथ जो प्रेशर का पी का जो वेरिएशन होता है वो कैसा होता है? लीनियर। क्लियर। चौथी बात, हम जनरली लिखते हैं पी बराबर पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को पी बराबर पी, इसे पी नॉट लिखूं, पी एटमॉस्फेरिक को क्या लिखूं? पी नॉट प्लस रो जी एच। एच का मतलब क्या है? डेप्थ। पी का मतलब है प्रेशर उस डेप्थ एच पर। तो अगर मान लो कि सपोज मैंने कंटेनर लिया, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, मान लो मैंने यहां से डी वाई डेप्थ नीचे, कितने नीचे? डी वाई डेप्थ नीचे। यदि चेंज इन प्रेशर को डी पी लिखा जाए, डी वाई डेप्थ नीचे, मान लो इतने इतने नीचे, इतने नीचे, यहां पे मैंने लिखा, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। अगर मान लो कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ था और सपोज मैंने इस सेगमेंट को बोला कि साहब डी वाई डेप्थ नीचे, यदि यहां पे प्रेशर था पी और यहां पर प्रेशर हो गया पी प्लस डीपी, तो यहां पे अगर पी था, यहां पे पी प्लस डीपी हो गया, तो चेंज कितने का गया? डीपी का। तो मैं अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहूं सपोज, तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा? मान लो कि मैं लिखूं डीपी, तो डीपी बराबर कितना हो जाएगा बताओ? यदि इस जगह पे मैंने पी माना, इस जगह पे पी प्लस डीपी माना, तो इस जगह पे मान लो पी नॉट, तो इस जगह पे कितना हो गया? पी नॉट प्लस डीपी, तो डीपी का चेंज आ गया। तो पी माइनस पी नॉट की वैल्यू डीपी के बराबर, तो डीपी बराबर कितना आ गया? रो जी, और एच का मतलब डी वाई, तो डीपी बराबर डीपी बाई डी वाई, डीपी बाई डी वाई, डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू कितना आया? रो इनटू जी। मतलब द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ इज इक्वल टू रो इनटू जी, इज इक्वल्स टू रो इनटू जी। एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, और ये पी और वाई के बीच में, या मतलब पी और डेप्थ के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ कैसा आया करेगा? ये ग्राफ, उस ग्राफ का किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को। और इस स्लोप को आप टेन थीटा भी लिख सकते हो चाहो, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को अपन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। वो किसके बराबर होगा? रो इनटू जी, वेयर रो इज डेंसिटी एंड जी इज ग्रेविटी। अभी हमने यहाँ पे किसी भी और एक्सेलरेशन को कंसीडर नहीं किया, केवल कि जी ही काम कर रहा है नीचे। तो अगर पी और एच के बीच का ग्राफ खींचा जाए, या यूं बोलो कि पी और वाई के बीच का ग्राफ खींचा जाए, यहाँ पे डेप्थ एच ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने डेप्थ कितनी ले ली? डी वाई। और यहाँ पे ये इन दोनों के बीच के प्रेशर जो डिफरेंस हो, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डीपी से। हाँ, डीपी से। तो डीपी बाई डी वाई, इस डी वाई को मैं नीचे लिया है, तो मैं डीपी को क्या लिख सकता हूँ? डीपी बराबर भाई ये पी माइनस पी नॉट डीपी का ही तो काम कर रहा है, तो इस पी नॉट को इधर लिया है तो डीपी तो बचा, और एच को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? डी वाई से। तो डीपी बाई डी वाई कितना हो गया? रो इन टू जी। क्लियर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये जो समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ये उस पी और एच के बीच के ग्राफ का क्या बन गया? स्लोप। तो उस स्लोप की वैल्यू को क्या लिख दोगे आप? टेन थीटा। क्लियर। तो पी और एच, या पी और वाई के बीच के ग्राफ यदि खींचा जाए, तो उसका स्लोप किसके बराबर होता है? डीपी बाई डी वाई बराबर रो इनटू जी बराबर टेन थीटा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इफ वी ड्रॉ द सरफेसेस पैरेलल टू द फ्री सरफेस parallel to the free surface, then at every point of that surface the pressure will be same. इस लाइन के ध्यान रखना, इफ वी ड्रॉ द सरफेस इज पैरेलल टू द फ्री सरफेस देन एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट सरफेस, एट एवरी पॉइंट पॉइंट ऑफ दोज सरफेसेस, यहां लिखना चाहिए पॉइंट ऑफ दोज सरफेसेस, द फ्री सरफेस then at every point of those surfaces the pressure will be same. इस line का मतलब क्या हुआ? इस line का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने container में कोई liquid भरा हुआ है, ठीक है, इस पर net acceleration कहाँ लग रहा है? नीचे. मैंने अभी क्या बोला और पहले भी क्या बोल रहे थे हम लोग, अभी जब first point हमने बोला था कि जो फ्री सरफेस होती है, फ्री सरफेस का मतलब क्या आपको बताना चाहिए, जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में है उस सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, उस लिक्विड की सरफेस को फ्री सरफेस. और फ्री सरफेस हमेशा नेट एक्सेलरेशन की क्या होती है, परपेंडिकुलर. इसका मतलब ये हमेशा ऐसे रहेगी क्योंकि जी ही लग रहा है. अब मान लो कि मैंने इसके पैरेलल दूसरी सरफेस एक खींची, ठीक है, तो इस सरफेस के इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर क्या रहेगा, सेम. ये बात हमने उस दिन भी की थी कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे भाई यहां से अगर मैं वाई नीचे आया तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए भी वाई नीचे आया, तो सेम हाइट पर चेंज इन प्रेशर क्या होगा, मतलब सेम हाइट पर जाने पर चेंज इन प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, सेम सेम लिक्विड में. अभी हम बात कर रहे हैं सेम लिक्विड की, मैं अलग अलग लिक्विड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सेम लिक्विड में जाने पर तो वाई, और यहाँ पे भी क्या है वाई, तो इस जगह का इस जगह प्रेशर क्या रहेगा, सेम. इसी तरीके से फिर इसके इसके पैरेलल एक और अगर मैं यहाँ पे खींचूं तो इस जगह का और इस जगह का प्रेशर क्या रहेगा, सेम. अगर मान लो मैं इनको एक दो तीन चार नाम दूं तो इन चारों में अगर प्रेशर का रिलेशन लिखूं तो क्या क्या आएगा, पी वन इक्वल टू पी टू एंड पी थ्री इक्वल टू पी फोर. P1 equal to P2, क्यों? क्योंकि फ्री सरफेस के पैरेलल अगर लाइंस खींची जाए तो उस सरफेस पर या उस लाइन पर आने वाले सभी पॉइंट्स का प्रेशर क्या रहेगा, सेम. इस लाइन का मतलब है और ये लाइन भी इसी के पैरेलल है तो इन दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम. पर क्या एक दो का प्रेशर तो सेम है, तीन चार का प्रेशर भी सेम है, पर क्या एक और चार का प्रेशर सेम है क्या, नहीं, क्योंकि एक और चार अलग अलग लेवल पे है, सेम लेवल पे है, अलग अलग लेवल पे, दो और तीन भी अलग अलग लेवल पे, दो और चार भी अलग अलग लेवल पे, एक और तीन भी अलग अलग लेवल पे. तो अगर मान लो कि इसी में से आपको सवाल ले दिया जाता कि विच प्रेशर इज ग्रेटेस्ट वन और फोर, मतलब विच ऑफ विच पॉइंट द प्रेशर इज ग्रेटर, एक का या चार का, तो आंसर क्या आता है, चार का प्रेशर, क्योंकि चार ज्यादा गहराई पे है, एक से. दो का ज्यादा होगा या तीन का ज्यादा होगा, तीन का ज्यादा होगा या चार का ज्यादा होगा, दोनों का बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों किस पर है, सेम लेवल पे. तो इस लाइन का मतलब यह है कि अगर फ्री सरफेस के पैरेलल अगर लाइंस खींची जाए तो वो भी एक सरफेस बनेगी, तो इस सरफेस पर आने वाले सभी पॉइंट्स का प्रेशर क्या रहेगा, सेम. इस बात को ऐसे भी देख सकते हो, चलो नोट कर लो इसे, अब अगर मान लो मैं इसी लाइन को समझाने के लिए मैं बात करूं कि हमने उस दिन एक केस लिया था जिसमें जो कंटेनर था वो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड था, कैसा था, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड. तो बेटा अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड था, ये एक्सेलरेशन सीधा जा रहा था, तो लिक्विड सरफेस जो फ्री सरफेस थी कुछ ऐसी हो गई, ठीक है, फ्री सरफेस अगर कुछ ऐसी हो गई तो अगर मैं आपसे बात करूं Clear. अब आपको पता हो तो फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस, बताओ ऐसे क्यों होंगे, सोचो आप. सबसे पहला पॉइंट क्या था, फ्री सरफेस इज ऑलवेज
परपेंडिकुलर टू द नेट एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन, इस पे बैठ के देखना पड़ेगा क्योंकि स्टैटिक्स का सवाल है। तो स्यूडो किधर लगेगा? पीछे। जी का लगेगा नीचे, ये इधर नेट और नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर ही क्या होती है? फ्री सरफेस। अब इस फ्री सरफेस के पैरेलल अगर सरफेसेस खींची जाए ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। तो अब आप मुझे बताओ कि यहां पे और यहां पे प्रेशर सेम होगा, यहां पे भी पी एटमोस्फेरिक, यहां पे भी पी एटमोस्फेरिक एयर के संपर्क। अब इसके पैरेलल सरफेस ही हुई तो इन दोनों का प्रेशर क्या होगा? सेम। 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 तो इसमें जो प्रेशर वेरिएशन होगा तो वो इसके अलोंग आने पर वर्टिकल आने के अलोंग नहीं होगा, ऐसे आने के अलोंग होगा। क्यों? क्योंकि ये नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है और आपको पता है कि जो प्रेशर वेरी करता है वो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में करता है। ठीक है, तो ये नहीं, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में प्रेशर वेरी करेगा। तो अगर फ्री सरफेस के पैरेलल सरफेसेस खींची जाए तो प्रत्येक फ्री सरफेस, तो उन सरफेसेस पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? सेम। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो क्या लिखूँ मैं? P1 = P2, P3 = P4, P5 = P6 और P7 = P8। क्लियर? क्योंकि फ्री सरफेस के पैरेलल सरफेस पर क्या होता है? सेम। क्योंकि नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर वेरी करता है, हॉरिजॉन्टल चलाने पर नेट एक्सेलरेशन बदल गया सर, तो इसकी डायरेक्शन में आने पर आपका प्रेशर वेरी करेगा, ना कि नीचे आने पर वेरी करेगा। नीचे आने पर भी वेरी करेगा लेकिन जो प्रॉपर वेरिएशन है वो इस डायरेक्शन में हम देखेंगे, नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। या तो फिर आप इसे दो डायरेक्शन में ब्रेक करके देखो, और इधर भी देख करके देखना पड़ेगा और इधर भी देखना पड़ेगा, उससे बढ़िया आप नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देखो। क्लियर? तो इन दोनों का प्रेशर सेम होगा, इन दोनों का प्रेशर सेम होगा। क्लियर? अगर इसको तो ये बात समझ आई कि ये किस तरीके से सेम हुआ। अगर मान लो कि मैं कंटेनर को जैसे लो, ये ए एक्सेलरेशन से इधर दौड़ा दिया होता तो बताओ इसमें फुल खचाखच लिक्विड हो रहा होता ऐसा, और इसको ऐसे खींचा जाता हॉरिजॉन्टली, तो बताओ सबसे हाईएस्ट प्रेशर किस पॉइंट का होता? सबसे लोएस्ट, तो सबसे लोएस्ट यहाँ पे कहीं पे होता भाई। ये नेट एक्सेलरेशन किधर होगा? जी नीचे, स्यूडो पीछे, नेट इधर, तो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती। क्लियर? अब इसमें अगर आप तो ये सरफेस थोड़ी सी ऐसे हो जाती तो ये ऐसे, आप जब ऐसे आते हैं तो आप जब ऐसे आते हैं नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तब आपको प्रेशर वेरी करता हुआ दिखाई देता इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? सेम। क्योंकि फ्री सरफेस जो है, हालांकि यहाँ पे तो फ्री सरफेस का ऐसा कोई मीनिंग फुल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपन इसे माने कि ये सबसे टॉप पे पैरेलल ये, फिर ये, तो इन पैरेलल पे इन तीनों का प्रेशर सेम होता, फिर इनका सेम होता, मतलब ऐसे जाने पर प्रेशर वेरी नहीं करता, प्रेशर वेरी ऐसे जाने पर करता। ठीक है सर? इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ए इधर है और जी नीचे है, तो इधर जाने पर भी प्रेशर वेरी करेगा और इधर जाने पर भी प्रेशर वेरी करेगा, लेकिन उसमें आपको दोनों केसेस को अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा। उससे बढ़िया आप ए नेट निकालो, और ये डेप्थ अगर आपको पता है तो उससे आराम से आप निकाल सकते हो। तो जब हम लिखते हैं P बराबर P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, तो यहाँ पे जब आपको कुछ और एक्सेलरेशन दिए हो जी के अलावा, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो जी है वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, मतलब नेट एक्सेलरेशन है, और एच जो है वो उसी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लेंथ है। क्लियर सर?
जैसे हाँ